हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की होती थी। भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं रही है, बल्कि ये लाइफ की एक होलिस्टिक साइंस है। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि आयुर्वेद में हीलिंग और ट्रीटमेंट के अलावा सोशल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, हैप्पीनेस, एनवायरमेंटल हेल्थ, करुणा, सहानुभूति, संवेदनशीलता और उत्पादकता, सब कुछ इस अमृत कलश में शामिल है। इसलिए हमारे आयुर्वेद को जीवन के ज्ञान के रूप में समझा जाता है और हमारे यहां जितनी प्रतिष्ठा चार वेदों की है, वैसे ही आयुर्वेद को पांचवा वेद कहा जाता है। साथियों, आज आधुनिक दुनिया की जो लाइफस्टाइल है, जो नई नई बीमारियां हम देख रहे हैं, उसे पार पाने के लिए हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अच्छी हेल्थ का एक सीधा संबंध बैलेंस्ड डाइट से है, हमारे पूर्वज यह मानते थे कि किसी भी रोग का आधा उपचार बैलेंस्ड डाइट में छिपा होता है। हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां इन जानकारियों से भरी हुई है कि किस मौसम में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और इन जानकारियों का आधार सैकड़ों वर्षों का अनुभव है, सैकड़ों वर्षों के अनुभव का संकलन है। जैसे हमारे यहां भारत में एक समय था जब विशेष रूप से मोटे अनाज मिलेट्स के उपयोग पर हमारे बुजुर्ग बहुत बल देते थे। समय के साथ हमने इसका उपयोग कम होते भी देखा और आजकल फिर से मिलेट्स की चर्चा बढ़ते हुए देख रहे हैं। मुझे इस बात का भी संतोष है कि मिलेट्स के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत का प्रस्ताव यूनाइटेड नेशंस ने स्वीकार किया है। वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित करना मानवता के लिए बहुत हितकारी कदम है। एक्सलेंसी, अभी कुछ समय पहले भारत में जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन शुरू हुआ है, उसमें भी हमारी प्राचीन और पारंपरिक विद्या को ध्यान में रखा गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी हमने आयुष प्रणाली का व्यापक रूप से उपयोग किया। आयुष काढ़ा, इस नाम से आयुर्वेद आधारित काढ़ा खूब प्रचलित हुआ। आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी फॉर्मुलेशन की ग्लोबली भी बहुत डिमांड देखने को मिल रही है। दुनिया के अनेक देश आज पैंडेमिक से बचाव के लिए ट्रेडिशनल हर्बल सिस्टम के उपयोग पर बल दे रहे हैं।